जल ही जीवन है। जल के बिना धरती पर कुछ भी मुमकिन नहीं है। हम अपनी जल आपूर्ति के लिए काफी हद तक भूजल पर निर्भर हैं। भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण यह अथाह स्रोत भी बहुत तेजी से कम हो रहा है। देश के कई बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई इत्यादि में यह समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। इन शहरों के कई क्षेत्रों में गर्मियों में तो पानी टैंकर से पहुंचाना पड़ता है। भूजल की इस समस्या से लड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय पेश कर रहा है भूजल पुनर्भरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक कारगर एवं आसान तरीका। शहरी इलाकों में भूजल पुनर्भरण अर्थात ग्राउंड वाटर रिचार्ज हर शहरी निवासी की जरूरत ही नहीं जिम्मेदारी भी है, जो कि एक बहुत ही आसान तकनीक है। वर्षा जल संचय रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल पुनर्भरण ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से हम वर्षा के जल को एकत्रित कर जमीन की सतह से नीचे ले जाकर इसे इकट्ठा कर सकते हैं अथवा इसका संचयन कर पुनः उपयोग में भी ला सकते हैं। वर्षा जल संचयन एवं संवर्धन के लिए उपलब्ध जल का निर्धारण निम्न तरीके से करते हैं। मॉनसून में हुई कुल वर्षा एवं कुल वर्षा के दिन, इनका आपस में भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वही एक दिन में अधिकतम वर्षा का निर्धारण करती है। उदाहरणतः यदि मॉनसून के 40 दिनों में कुल वर्षा 800 मिलीमीटर हुई तो उपरोक्त विधि अनुसार 800 भाग 40 बराबर 20 मिलीमीटर अधिकतम एक दिन की वर्षा के लिए ही किसी भी जल संचयन प्रणाली के माप का निर्धारण होता है। आइए समझते हैं 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली छत के लिए वर्षा संचयन प्रणाली या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कैसे करते हैं। सर्वप्रथम उपलब्ध वर्षा जल का निर्धारण करना होता है, जो इस प्रकार करेंगे 100 वर्ग मीटर गुणा 20 मिलीमीटर भाग 1000 बराबर 2 घन मीटर। 2 घन मीटर पानी को इकट्ठा करने के लिए रिचार्ज पिट का निर्माण इस प्रकार कर सकते हैं। रिचार्ज पिट किसी भी आकार की हो सकती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रिचार्ज पिट का कुल आयतन उपलब्ध वर्षा जल के समान होगा, अतः 100 वर्ग मीटर की छत के लिए 1 मीटर गुणा 2.5 मीटर गुणा 2 मीटर की रिचार्ज पिट उपयुक्त रहेगी, जिसे गिट्टी 20 से 50 मिलीमीटर, बजरी 5 से 20 मिलीमीटर व मोटी रेत 1.5 से 2 मिलीमीटर से क्रमशः भरा जाता है, जिसकी प्रत्येक लेयर की मोटाई 30 सेंटीमीटर होगी। इस प्रणाली के इनलेट के ठीक नीचे 1.5 इंच मोटी आरसीसी की सतह का निर्माण करते हैं, जिसके ऊपर से जल प्रवाह होकर रिचार्ज पिट में जाता है। बोल्डर तल पर बजरी व गिट्टी बीच में व मोटी रेत सबसे ऊपर भरी जाती है, ताकि जल प्रवाह के साथ आने वाली गाद रेत की सतह के ऊपर जमा हो जाए, जो बाद में आसानी से हटाई जा सके। छत से जल निकासी के स्थान पर जाली लगानी चाहिए, ताकि पत्ते या अन्य ठोस पदार्थ को पिट में जाने से रोका जा सके। यदि भूजल स्तर मॉनसून के उपरांत 10 मीटर या उससे भी अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में इस पिट में एक रिचार्ज बोर होल की व्यवस्था करते हैं, अन्यथा इस रिचार्ज पिट का निचला हिस्सा कच्चा ही रहने देते हैं। अलग अलग क्षेत्रफल की छत के लिए जल संचयन प्रणाली की माप भिन्न भिन्न होती है, जिसका विवरण केंद्रीय भूजल बोर्ड की वेबसाइट cgwp.gov.in/reports-published.html पर उपलब्ध है। तो इस प्रकार इस आसान विधि द्वारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज पिट के माध्यम से वर्षा जल का संचयन कर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर वर्षा की हर बूंद को बचाएं, अपना आज और कल सुरक्षित करें, क्योंकि जल ही जीवन है।